एक ही आम दोनों शेयर करके खा लेते ताकि जितना भी फैट जाए शरीर के अंदर वो भी शेयर हो। हम सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, हम मैंगो पार्टनर भी है। लॉकडाउन के बाद अभी सारे चीज़ें एक एक करके अनलॉक हो रहे हैं और ये जो सामने का बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का काम भी रुका हुआ था तो इस बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। जिन लोगों ने इसे बुक किया है उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आसमान का हालत आज इतना अच्छा है कि लगता है कि जोरों से बारिश होगी। हमें थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि कल नेदू, मेरी सिस्टर सब लोग आए थे और अभी नेदू को छोड़ने जाना है क्योंकि नेदू भी अपना काम करते हैं ना, तो यहाँ पे बैठ के इतना काम नहीं होता। घूमना फिरना अलग बात है और अपना काम भी अलग बात है। फिर मेरे पीछे कोई खड़ा है, एक अनजान आदमी जो कि आजकल मेरे ब्लॉग में दिखाई तक नहीं देता, वो आजकल मेरे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कैमरा लेती हूँ तो। मैं ग्रीनरी देख रहा हूँ, इतना दिन ज्यादा टमी वाला था तो इसलिए नहीं दिखाई देता था। अभी टमी रिड्यूस करने के लिए मैं वॉक कर रहा हूँ। इतने दिनों से वॉक करके मेरा कोई फायदा नहीं हुआ और इनको दो दिन में हो जाएगा। और ये भी हवा खाने आए हैं और ये जो अच्छा अच्छा फाड़ आप देख रहे हो ना, ये फाड़ दो दिन बाद आप नहीं देख पाओगे। ये वहां से प्रकट हो रहे हैं, प्रकट हो रहा है। ऑस्कर मटन नहीं खा रहा था तो हम भी मटन नहीं खा रहे थे, तो आज हम भी बना रहे हैं थोड़ा सा मटन। नेदू नॉनवेज खाता है पर उसे वेज ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मटन होने के बावजूद भी हम झींगा आलू पोस्तो एंड पनीर, पनीर बटर मसाला, ये दो चीज़ें मैं बना रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा अगर मटन खाता है तो खा लेगा, कोई बात नहीं। करते हुए एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सोचा था कि पनीर के साथ बटर पनीर मसाला बनाऊंगी और आलू झींगा पोस्तो बनाऊंगी, पर मेरा ध्यान कहीं और है तो इसलिए पनीर में मैंने डाल दिया वो पोस्तो बटा और आलू झींगा अलग से जो कटा हुआ है वो अलग से है और ब्लेंडर में है कर्ड, फिर कैशू, ये सारे जो ब्लेंड किया हुआ है वो ब्लेंडर का अपना। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि मूड को ठीक करने की कि चलो ठीक है अगर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, पर जब भी ऑस्कर की तरफ देख रही हूँ ना, इतना रोना आ रहा है कि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ। ध्यान से फर्श से ढका हुआ ये हमारा ऑस्कर कल किस हालत में आएगा, मतलब ये मूड भी हमारा बिल्कुल अपनी मर्जी से चलता है। कोई किसी भी कारण से मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो पर अपना जो इमोशन है उसे किसी भी हालत में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी इसे सामने देखती हूँ तभी मेरा सारी चीज़ें बिगड़ जा रहे हैं कि कल किस हालत में से देखूँगी। ये रहा पनीर जिसमें है पोस्तो बाटा यानी कि पॉपी सीड्स पेस्ट, और ये रहा कर्ड और कैशू का जो पेस्ट है वो, और ये हो रहा है मटन। मटन भी नीचे जल चुका था, मैं किसी और ध्यान में खैर थी, पर प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि अभी मैं इसे मैनेज कैसे करूँ इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलू झींगा के साथ मैं कैशू और कर्ड दूँ, ये कैसा क्या बनेगा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे मैनेज करूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा सच में। मिथुन हमेशा एक बात बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। इसके बाद मैंने क्या किया, वो पनीर को पोस्तो से निकाल के अलग से ग्रेवी बना के उसमें पनीर को डाला और अलग से कढ़ाई में तुरई और आलू को फ्राई किया मस्टर्ड ऑयल के साथ, और फिर वो जो पोस्तो का ग्रेवी था उसमें उसको डाल दिया। पोस्तो में थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि मैंने बटर डाला था उसमें, पोस्तो के साथ तो बटर नहीं जाता तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा पोस्तो में, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, पर एटलीस्ट कुछ बना पाई। एकदम से सिचुएशन जैसे बिगड़ गया था उससे थोड़ा सा अभी ठीक ठाक है, मटन भी हो चुका है, आई थिंक के कुकिंग का थोड़ा बहुत सब ठीक ठाक कर पाई, और अभी कल के लिए वेट ऑस्कर का।
और पिज्जा के लिए दो पिज्जा ब्रेड है। बहुत दिनों से हम लोग कहीं पिज्जा नहीं खाए यार, तो यहाँ पे दो ब्रेड हम लाए हैं। ओके, जुगाड़ू टाइप्स पिज्जा है एंड पिज्जा बेस भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर फिलहाल तो जब से मेरा वो ओवन सेट नहीं हुआ, मतलब ओवन मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो अभी ये सब बेकिंग का मन भी नहीं कर रहा है। अंदर से डाउन वो हुआ है मेरा। वहाँ पे कौन है, कौन है वहाँ पे? छोनू आया है मामा के घर। यहाँ पे आके वो इतना खुश है ना, कार्ड में आता है आज पहली बार ऐसे तीन लोग मिलके कार्ड में आए हैं हम तीनों, पर वहाँ पे भी ये बहुत मस्ती कर रहा था और बारिश भी हो रहा था बाहर। जहाँ पर भी नीतू रहता है ना उसके आसपास वो मंडराता रहेगा। चल रहा है हमारा चाय का पार्ट, तो यहाँ पे मासी चाय ऑलरेडी चाय चढ़ा दी है और अभी हम पियेंगे चाय, उसके बाद हम खाएंगे पिज्जा, मम्मा का बना हुआ पिज्जा। सब यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पे गरम हो रहा है पिज्जा, पीछे जल गया थोड़ा सा और एक गरम हो रहा है अभी। हैंडमेड पिज्जा है ওখানে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি বাড়িতে। এটা চিকেন পনির দাও তোমাদের চিকেন যেটা মানে এটা তুমি মেশো তোমরা খাবে। একটা পনির হ্যান্ডমেড পিজ্জা जो भी फ्रैंकस्टाइन बनाया हुआ है, জুগারু পিজ্জা আমি বানিয়েছি। पिज्जा का टुकड़े किया ही जाता है इसलिए पता है कि अकेले नहीं सबके साथ खाओ, वरना रोटी के साथ तो ऐसे ऐसे भी खा सकते। अच्छा लॉजिक ढूंढा ना। हाँ एकदम एकदम। आर्यन नेदु टूट पड़ो पिज्जा पे, तुम्हें पिज्जा नहीं दिया। और जो जैसा है जैसा रहता है ना, तो भले लोग ना जीव अल्फोंसो बचा हुआ था एक्चुअली, इतना ज्यादा प्राइस है ना इसका, तो दो ही लाए थे मिथुन, तो अभी एक बाकी है, तो अभी हम इसे खा रहे हैं। वहाँ से आ रही थी ना मासी की, वहाँ से तब से मैं सोच रही थी कि आज डिनर में क्या बनाऊँ, यहाँ पे डिनर करके जाए, वहाँ पे अगर हम डिनर करने बैठे ना तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा ऑस्कर के खाने में, तो अभी ऑस्कर को खिलाऊंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा भूख लगा है, तो एक मतलब एक ही आम दोनों शेयर करके खा लेते, ताकि जितना भी फैट जाए शरीर के अंदर वो भी शेयर हो जाए। हम सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, हम मैंगो पार्टनर भी हैं। हम रात में खाएंगे सैंडविच, क्योंकि इसका डेट ना आज ही लास्ट। ये है फिश एक पातोड़ी जो कि मेरे मासी बहुत अच्छे बनाते हैं। ये रहा ऑस्कर का राइस और ये मैंने गरम कर लिया है, तो अभी मैं ऑस्कर को खिला दूंगी। अभी अच्छा लग रहा है ना ऑस्कर का खाना देख के, मुझे तो शांति सुकून सब कुछ मिल रहा है। अभी बन रहा है हमारा लंच, सॉरी डिनर। ये डिनर में घर में जो भी है थोड़ा सा हेल्दी हो तो ज्यादा अच्छा। कोई भी कर्व आफ्टर 7 नहीं लेना चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, नहीं तो हमें ऐसे खाली पेट सोना पड़ेगा। और ये रहा सैंडविच का स्टफिंग लेटिस के साथ, थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन और थोड़ा सा डीप, पर ये भी मैं खा के सो सकती थी, पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा हेवी खाना चाहिए, और थोड़ा सा अगर हेवी होता है तो मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जाके मैं रात को सो पाऊंगी। आराम से डिनर कर लेते हैं और ये पातोड़ी के साथ सैंडविच का डेडली कॉम्बिनेशन
जो कि मिथुन ही ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ से आने के बाद आर्यन ने अपना पढ़ाई कंप्लीट की है, मिथुन ने अपना काम कंप्लीट की है, मैंने अपना कुकिंग कंप्लीट की है, और अभी एक साथ मिलकर खाना खाने के बाद हम जस्ट एक घंटे के लिए टीवी देखेंगे। डेढ़ घंटा कर लो, एक मूवी हो जाएगा। ओके, फिर सिर्फ डेढ़ घंटे के लिए हम एक मूवी देखेंगे, उसके बाद हम सोने जाएंगे। बाय बाय।